नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दियोरबंद नक्सल। दोस्तों आप तो जानते हो कि मैं घूम फिर के कहीं से भी टॉपिक तो अल्टीमेटली बिल्डर्स और अंडर कंस्ट्रक्शन और इन्हीं बातों पर आ जाता हूं। तो जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनको अंडर कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है या फ्लैट खरीदने में इंटरेस्ट है या फिर किसी बिल्डर ने उनका टोकन अमाउंट या बुकिंग अमाउंट जब्त कर लिया है और उसे उन पैसों को वापस लेने में इंटरेस्ट है या कोई बिल्डर ने उनको फंसा दिया है और उनको अब किस तरह से बिल्डर के चंगुल से छूटना है उसमें इंटरेस्ट है। तो इस तरह के टॉपिक्स हैं जो मेरे वीडियोस में कवर होते हैं। दोस्तों आज मैं टॉपिक पर जाऊंगा लेकिन बाद में, पहले मैं आपको एक भूमिका खड़ा करके दिखाना चाहता हूं। और जो लोग हमारे मनोविज्ञान हमारी साइकोलॉजी के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, इंसानों के साइकोलॉजी के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को देखें। और अगर किसी लोग को लगता है कि नहीं नहीं मुझे बहुत साइकोलॉजी या ये सब मैं पढ़ना नहीं है, चलो भाई मैं चला, तो भाई साहब आप वीडियो अभी इसी वक्त छोड़ सकते हो। दोस्तों शुरू करते हैं जिम्मेदारी के बारे में बात करना, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम जब किसी चीज का जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें अगर वो चीज गलत होता है तो हमें अफसोस होता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, आप बच्चे को ले जाते हो स्विमिंग पूल में, आप उसके पापा हो या मम्मी हो, आप अकेले ले जाते हो बच्चे को स्विमिंग पूल में, स्विमिंग सिखाने को ले जाते हो। अब अगर बच्चे के साथ छोटा सा भी हादसा न भी कहो लेकिन उसे किसी तरह से चोट लगी, वो फिसल के गिर गया या एक आध मिनट के लिए वो पानी में डुबकी मार के पानी पी गया और फिर आप बचा सके, लेकिन एक घटना हो गई, तो आप उसका अफसोस महसूस करते हो। आप अगर अकेले लेके गए हो तो आप उस अफसोस का पूरा जोर अपने ऊपर महसूस करते हो क्योंकि आप ही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल थे। अगर मम्मी एंड डैडी दोनों साथ में थे, स्विमिंग पूल में उतरे हुए थे और बच्चा खेल रहा था और फिर कुछ घटना हुई, तो आप उस ब्लेम को शायद डिवाइड करोगे या फिर अपने आप को कम गिल्टी फील करोगे, आप उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर कम लोगे। हालांकि आपका यह हादसे भूल हुआ होगा लेकिन आप ये भी कह सकते हो, अच्छा मैंने गलती किया, तुम क्या कर रहे थे, तुम अपने काम, तुम अब मजे ले रहे थे, तुम मस्त थे, तुमने देखा तक नहीं और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी, ऐसे करके अपने ऊपर से जिम्मेदारी थोड़ा लाइट कर देते हो। और भी अगर लोग होते हैं, पूरा परिवार होता है, भाई बहन चाचा चाची सब हो, साथ में स्विमिंग पूल में उतरे हुए हैं और बच्ची खेल रही है और कोई घटना हुई, गिर गई, वो फिसल गई, सर पे चोट आया, बहुत सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते हो, आपको अफसोस है कि बच्चे पे चोट आया लेकिन उतनी सारी जिम्मेदारी नहीं लेते हो। अब आपको अगर अफसोस भी होता है शायद वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी बच्ची है। लेकिन एक जनरल बात कहें कि किसी की बच्ची को चोट आ गया, वो आपकी थी भी नहीं, किसी को चोट आया, किसी के ऊपर कुछ यानी किसी का कुछ नुकसान हुआ, तो आप अपने ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे और लोग हैं जिम्मेदारी बांटने के लिए। दोस्तों इसका सीधा कनेक्शन बिल्डर के एक्टिविटी के साथ भी है और आपके फ्लैट खरीदने वाले एक्टिविटी के साथ भी है, यानी कि बिल्डर के सेल्स ऑफिस में आप क्या निर्णय लेते हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो, उससे भी बहुत कुछ लेना देना है। इसीलिए जो लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो लगे रहें इस बात को। यानी अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे थ्योरी समझने की जरूरत नहीं है तो आप वीडियो कट करके निकल सकते हो। दोस्तों मैं और एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। मान के चलते हैं कि आप ऑटो लेके नहीं, आप अपनी स्कूटर पे जा रहे हो, आप अकेले हो और एक
बिल्ली का बच्चा आपके स्कूटर के नीचे आ जाता है, आपको बहुत अफसोस होगा। आप शायद अगर जानवरों से प्यार करते हो और अगर थोड़ी सी नैतिकता है और वो जानवरों के लिए हमदर्दी है, तो आप उस घायल बिल्ली के बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में लेके जाओगे, वेट के पास लेके जाओगे, आप अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ले लोगे। अब अगर दो लोग हैं, आप हो और आपका दोस्त है पिलियन पे, तो भी आप ड्राइव कर रहे हो, लेकिन आपका दोस्त अगर कुछ कहता है अरे छोड़ना यार, तो आप शायद सुनने के लिए तैयार हो जाओगे, आप अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा सा कम कर दोगे। आप अगर ऑटो में जा रहे थे या टैक्सी में जा रहे थे और टैक्सी ड्राइवर चला रहा था, आप पैसेंजर हो, आपने टैक्सी ड्राइवर को एंगेज किया है, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइल्यूट हो जाती है, गाड़ी के नीचे बिल्ली का बच्चा आ गया, आप अपने आप को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराओगे, ठहराना चाहिए। आपने टैक्सी को लिया है, टैक्सी को एंगेज आपने किया है, हालांकि ड्राइवर वो है लेकिन टैक्सी आपकी है उस समय के लिए। अगर वो बच्चे को चोट पहुंचा तो वो आपकी वजह से पहुंचा, तो जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए, और आसानी से आप ले सकते हो उस बिल्ली के बच्चे को, आप लेके हॉस्पिटल पहुंच सकते हो, उसका इलाज करवा सकते हो। लेकिन आपके लिए जिम्मेदारी न लेना आसान हो जाता है। आप ये कह सकते हो अरे यार टैक्सी वाले ने केयरलेसनेस दिखाया तो मैं क्या करूं, ये कह के आपने सीधा अपना ये अदा कर लिया। अब वो भी अगर शेयर टैक्सी था, जैसे ओला उबर वाले कभी कभी शेयर टैक्सी चलाते हैं कि एक एक पैसेंजर को लिया फिर दूसरे को लिया वगैरह, दो लोग हैं तो बहुत ही डाइल्यूट हो जाता है। सामने वाला कहेगा अरे सर आपको अच्छा आदमी बनना हो तो बनो, आप बिल्ली के बच्चे को लेके जाओ, लेकिन मुझे मेरे काम पे पहुंचना है। तो आप भी सोचो कि छोड़ दे यार, बिल्ली है, इंसान थोड़ी है। तो आप अपनी जिम्मेदारी कम कर लेते हो। ऐसे करते करते मैं आपको और भी आगे लेके जाऊंगा, बस में जाते हो। आप अगर बस में जा रहे हो और एक दुर्घटना हो गई, अब मैं बिल्ली के बच्चे को छोड़ देता हूं, इंसान है, गाड़ी के नीचे आ गया, स्कूटरिस्ट है, घायल है, खून बह रहा है, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि ये बस मेरा है, मैंने बस का टिकट दिया है, लिया है, मैंने बस को एंगेज किया है और अब मैं इस इंसान की जिम्मेदारी लेता हूं। आप बिल्कुल नहीं कहोगे, आप कहोगे बस ड्राइवर कोई और है, बस कंडक्टर कोई और है, बस का ओनर BEST है, कंपनी है, मैं क्यों जिम्मेदारी लूं। तो आप बिल्कुल ही कोई जिम्मेदारी नहीं लोगे। बहुत ही कम लोग हैं जो कहेंगे इस सिचुएशन में मैं पूरी तरह से प्रॉब्लम का ओनरशिप लेता हूं, इस घायल इंसान को मैं हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए मेहनत करूंगा, खर्चा करूंगा और उसको लेके जाऊंगा। बहुत कम लोग होते हैं, लोगों को यानी लोग अपने दिल पे ज्यादा लेते नहीं है। हाँ, अगर आपकी गाड़ी होती, आपका कार होता और आपके कार के सामने अगर वो इंसान पड़ा होता, आपके कार से एक्सीडेंट हुआ होता, तो शायद आप ज्यादा ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। फिर भी आप कोशिश करते अरे नहीं उसकी गलती थी, वो सामने आ गया, स्कूटर स्किड हो गया, मैं क्या करूं वगैरह वगैरह। जिम्मेदारी को से बचने के लिए बहुत सारे दलील हैं। यानी जो इंसान जिम्मेदारी से बचना चाहता है, जिम्मेदारी से भागना चाहता है, उसके लिए बहुत सारे दिमाग के रास्ते खुले हैं, वो इधर से उधर से कुछ ना कुछ निकाल लेगा रास्ता। लेकिन फिर भी अगर आप खुद कार चला रहे होते तो आप जिम्मेदारी लेते। अगर आपकी फैमिली की गाड़ी है, आप नहीं कार चला रहे हो, आपके हस्बैंड या आपके ब्रदर गाड़ी चला रहे हैं, तो भी आप थोड़ा जिम्मेदारी लोगे, थोड़ा सीरियसली लोगे और कहोगे नहीं ये मेरी वजह से हो रहा है, मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल हूं। ऐसे कहके आपने शायद थोड़ा और सीरियसली लिया और उस इंसान को हॉस्पिटल पहुंचा। और यहां पे कानून भी थोड़ा कड़क रहता है आपके ऊपर, यानी आप अगर उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाओगे तो आपके अगेंस्ट हिट एंड रन वाला केस हो सकता है, ये भी आप जानते हो। तो आप हिट एंड रन नहीं करना चाहोगे, आपके 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 वो नेचर में अगर वो गुनहगार टाइप का ये नहीं है, नेचर नहीं है आपका, तो आप उस इंसान की जिम्मेदारी लेकर वो करोगे, काम करोगे। लेकिन जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है, इंसान घायल इंसान तो घायल इंसान होता है।
अब आप बस में थे या आप खुद गाड़ी चला रहे थे या आपका ड्राइवर कार चला रहा था, लेकिन घायल इंसान तो घायल इंसान है, उसके जिम्मेदारी लेना तो आपका बनता है, एक तरह से आर्ग्यू किया जा सकता है। चाहे वो बस हो चाहे वो ट्रेन हो, ट्रेन के नीचे कोई आ गया आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, लेकिन वो ट्रेन में हजारों लोग सवार हैं, ट्रेन का ड्राइवर की जिम्मेदारी थी, मेरा जिम्मेदारी कैसे बना? अब मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप अगर अकेले हो और या अकेले या एक या इक्के दुग्गे में हो तो आप किस तरह से जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले सकते हो या किस तरह से आप एक्सपीरियंस करते हो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर बहुत सारे लोग हैं तो आप जिम्मेदारी को अपने ऊपर नहीं लेते हो और डाइल्यूट हो जाता है, इतना डाइल्यूट हो जाता है कि कोई भी जिम्मेदार नहीं है। दरअसल ट्रेन का ड्राइवर भी जिम्मेदार अपने आप को नहीं ठहराएगा, वो कहेगा सर रोज कोई क्रॉस करता है, ट्रैक क्रॉस करता है, कोई ना कोई तो मरता है, कभी ना कभी तो मेरे हाथों से मरेगा। मैं ट्रेन मैं चला रहा था, लेकिन मैं ट्रेन का ओनर थोड़ी हूं, मैं ट्रैक्स को थोड़ी कंट्रोल करता हूं, मैं लेवल क्रॉसिंग्स को थोड़ी कंट्रोल करता हूं। रोज इनके लिए वार्निंग्स दिए जाते हैं कि ट्रैक को क्रॉस मत करो, ट्रैक को क्रॉस कर मत करो, फिर भी ये लोग ट्रैक क्रॉस करते हैं। तो अभी ठीक है, हो गया, क्या करें? तो वो भी अपनी जिम्मेदारी से हट जाता है, क्योंकि बड़ा सा सिस्टम है, ट्रेन है, ट्रेन में बहुत सारे लोग हैं, पैसेंजर हैं, और वो ये भी कहेगा सर अगर मैं ऐसे इन लोगों के तरफ हमदर्दी दिखाने लगा तो ट्रेन के पैसेंजर्स लेट हो जाएंगे, मैं क्या करूं? तो वो क्या करता है कि चल दो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होता है वो बॉडी को या उस घायल इंसान को लगेज वैन में डाल देते हैं, या बाजू वाले ट्रेन जो आते हैं उसके लगेज वैन में डाल दिया जाता है, डम करके निकल लेते हैं। यही सिस्टम है, यही सिस्टम से चलता है। तो कहने का मतलब यह है, मैंने शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं वैसे डाइल्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी में पानी मिलाया जाता है और पानी मिलाया जाता है, जब तक वो दूध रहता ही नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी रहता है। तो इस तरह से डाइल्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से लोग अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, और कोई भी अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से और फ्लैट परचेज से लेना क्या है, मैं आपको समझाता हूं। पहले चलते हैं बिल्डर के तरफ, फिर आप अपने तरफ देखिए। बिल्डर का ऐसा है कि बिल्डर की बहुत बड़ी कंपनी है, बिल्डर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्लान करता है, मैं बड़े बिल्डर की बात कर रहा हूं जनरली। तो बड़े वाले जो बिल्डर्स हैं वो टाउनशिप प्रोजेक्ट्स प्लान करते हैं, वो कंपनी है, उनका खेल तो कई सौ करोड़ या कई हजार करोड़ में है, उनका रोलिंग बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी है उसमें, बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उस कंपनी में, बहुत सारे लोगों को ब्रोकरेज मिलता है, बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट प्लानिंग में लगे हुए हैं, कोई मार्केटिंग में लगा हुआ है, यानी उस कंपनी का जो चीफ है, सीईओ है, ओनर भी हो, वो जानता नहीं है कि क्या क्या हो रहा है, कहां कहां हो रहा है। ओवरऑल वो एक एक्टिविटी है जिसके अंदर वो एक बड़ा सा ट्रेन की तरह जा रहा है। अब इसमें जब आम आदमी अपना टोकन खो देता है, बुकिंग अमाउंट खो देता है, उसके पैसे चले जाते हैं, ये वो कहते हैं भाई ये हमारा सिस्टम है, टोकन जब्त करने का हमारा सिस्टम है, टोकन जब्त नहीं करेंगे तो कोई फ्लैट बुकिंग ही नहीं करेगा। आर्ग्यूमेंट में दम है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आर्ग्यूमेंट बिल्कुल खोखला है। लोग टाइम लगाते हैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए, एक फ्लैट परचेज के डिसीजन लेने के लिए टाइम लगाते हैं, कभी कभी एक हफ्ता दो हफ्ता एक महीना दो महीना भी लगा देते हैं। आर्ग्यूमेंट होते हैं घर में, फादर मदर से बात होती है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में वाद विवाद होते हैं, इतना इधर नहीं उधर लो, ये जगह नहीं उधर वो जगह लो, दो बेडरूम नहीं तीन बेडरूम चाहिए, कोई कहता है हमारे पास बजट नहीं है, सब चलता है ना। अब ये सब जरूरी है, हालांकि इट्स अ वेरी इम्परफेक्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है बड़ा यानी ऐसा प्रोसेस है कि कई बार वो बात आधे अधूरे में रुक जाता है, बात आगे बढ़ती नहीं है, लोग वाद विवाद में आर्ग्यूमेंट होता है, सब लोग कहते हैं चल छोड़ यार, होता है, करेक्ट है,
लेकिन जैसा भी हो उनका हक है, हर फैमिली का राइट है कि वो डिसाइड करे अपने तरीके से। बिल्डर्स क्या करते हैं, टोकन जब्त कर लेते हैं। टोकन क्यों जब्त करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो टोकन ले लिया, टोकन ले लिया मतलब वो डिसीजन क्लोज हो गया। अब उस इंसान का के ऊपर एक जोर है कि भाई अब मुझे वही फ्लैट लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरा 1,00,000 रुपया चला जाएगा या 2,00,000 रुपया चला जाएगा। तो ये टाइप का सिस्टम बनाया है बिल्डर्स ने मार्केटिंग के लिए, और वो लोग फटाफट टर्नओवर करना चाहते हैं। वो ये देखते हैं कि इस महीने में हमने कितने बेचे, इस साल में हमने कितने बेचे, इस क्वार्टर में हमने कितने बेचे, हमारा प्रॉफिट क्या है हमारा। तो वो मार्केटिंग कॉस्ट और ये सब ठूस ठूस के उसमें डालते हैं, मैंने भारी एडवर्टाइजिंग करते हैं, भारी मार्केटिंग करते हैं, दबा दबा के वो लोग। ये नॉर्मल कुकिंग का स्टाइल नहीं है, ये प्रेशर कुकिंग वाला स्टाइल है। आप चावल को उबाल के चावल बना सकते हो, या फिर आप प्रेशर कुकर में डाल के चावल बना सकते हो। ये जो इनका चावल पकाने का तरीका है बिल्कुल प्रेशर कुकर वाला तरीका है। अब इसमें कुछ लोगों को चोट पहुंचती है, कस्टमर्स को डैमेज होता है, इकोनॉमिक डैमेज होता है, फाइनेंशियल आर्थिक डैमेज होता है, उनके बहुत सारे पैसे चले जाते हैं, लाइफ सेविंग्स चले जाते हैं। ओके, कुछ लोगों की शादी भी टूट जाते होंगे, ये कभी 10-12 लाख 15 लाख 20 लाख चला गया तो पता नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ का जो सिस्टम है, जिस सिस्टम से वो लोग घर चला रहे थे वो सिस्टम शायद नहीं चलता है और शादियां टूट जाती हैं। किसकी वजह से? बिल्डर की वजह से, बिल्डर कंपनी की वजह से। कंपनी वाले रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, वो कहेंगे अरे मैं कैसे जिम्मेदार हूं यार, मैं कैसे जिम्मेदार हूं यार, वो आया था, चल के आया था मेरे ऑफिस में, उसने टोकन स्वाइप किया, उसने अपनी स्वेच्छा से टोकन स्वाइप की, नहीं उसने अपने इच्छा से अपनी स्वेच्छा से टोकन स्वाइप नहीं की, आपके लोगों ने करवाया। वो कहेंगे हमारे लोग नहीं थे, वो तो चैनल पार्टनर थे, वो हम लोग नहीं है, वो तो चैनल पार्टनर है, वो एनारॉक है, वो एनारॉक के लोग है, वो स्पेशलाइज्ड है, वो लोग मार्केटिंग वाले स्पेशलाइज्ड है, वो हमारा जिम्मेदारी नहीं होता है। इस तरह से वो जिम्मेदारी से बच जाते हैं, मार्केटिंग वाले भी जिम्मेदारी से बचेंगे। वो कहेंगे देखिए सर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बेचने की जिम्मेदारी हमारी है, हम अगर ऐसे सब टोकन वापस करने लगे ना तो कोई हमसे खरीदेगा ही नहीं, एक भी सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो हमारा सिस्टम चलेगा नहीं, हम सिस्टम चला रहे हैं। और ये भी कह देते हैं कि सिस्टम से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है, बहुत सारे, सही है गलत नहीं है, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है, सही है। लेकिन ये रोजी रोटी चलाने के लिए आप किसी की नरबलि कर रहे हो, आप किसी के फैमिली का खून कर रहे हो, किसी के शादी को तोड़ रहे हो, किसी के पिताजी बिना हॉस्पिटल गए ही घर में दम तोड़ देंगे ऐसी परिस्थिति खड़े कर रहे हो, किसी के ऑपरेशन होने के थे वो ऑपरेशन के पैसे आप यानी बिल्डर कंपनी निकल जाती है और कहती है जब्त हो गए, तो आप यानी सिर्फ पैसे नहीं ले रहे हो, आप लोगों की जान ले रहे हो, आप लोगों के लाइफ के साथ खेल रहे हो। जब आप किसी के 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000 जब्त कर लेते हो, और ये कर रहे हैं बिल्डर्स कर रहे हैं। अब अगर किसी भी एक इंसान को अगर आप जिम्मेदार ठहराना चाहो उस कंपनी में से, आपको कोई नहीं मिलेगा जो इसकी जिम्मेदारी लेने वाला है। टॉप आदमी कहेगा मैं क्या करूं, मैं तो जानता ही नहीं हूं, ये सब सिस्टम से चलता है, वो बच्चे लोग चलाते हैं, नीचे एम्प्लॉयज चला रहे हैं, मैं कुछ जानता ही नहीं हूं भाई, मैं तो मेरे तो हाथ साफ है, मेरे हाथ किसी के खून से रंगे हुए नहीं है। यानी खून भी हो जाता है, कत्ल भी हो जाता है, लेकिन खून के छींटे किसी के भी शर्ट पे नहीं पड़ता है, किसी के कमीज पे नहीं पड़ता है, सब लोग सुगंधित हैं, उनके शर्ट से आपको किसी के खून पसीने की गंध नहीं आएगी, आपको सिर्फ सुगंध ही सुगंध आएगा। सब लोग अच्छे लोग हैं, सेल्समैन अच्छा लोग हैं, सीआरएम अच्छे लोग हैं, हायर अप्स अच्छे लोग हैं, मैनेजमेंट वाले अच्छे लोग हैं, सब लोग अच्छे ही लोग हैं, और ये सच भी है, सब लोग अच्छे ही लोग हैं, मैं कोई किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं कंपनी के अंदर, लेकिन ये सब सारे अच्छे लोग मिलते हैं साथ में तो नतीजा ये होता है बिल्डिंग की क्वालिटी खराब। बिल्ड पैसे लेते हो लेकिन पैसे के सामने बिल्डिंग का क्वालिटी देना चाहिए वो नहीं देते हो, बिल्डिंग का डिजाइन बकवास, आप जिस डिजाइन से वो देते हो डिजाइन ऐसे होता है कि लोग बीमार पड़ेंगे, वो घर में बार बार बीमारी होगी, यानी गीलेपन और
वो भी गंदा गंदा सीवेज का पानी, आप किसी के सीलिंग में दौड़ाते हो, फॉल सीलिंग में दौड़ाते हो, बाथरूम टॉयलेट में फॉल सीलिंग लगाते हो, वो भी जिप्सम बोर्ड का फॉल सीलिंग लगाते हो, गलत प्रैक्टिस है। घर में भेज रहेगा, हमेशा रहेगा, गीलापन रहेगा, वो टाइप का आप बिल्डिंग बनाते हो, गलत है, आप गलत कर रहे हो। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, हर एक यही कहेगा अरे हमने तो कॉन्ट्रैक्टर को कहा था, हमने सब कॉन्ट्रैक्टर को कहा था, हमने आर्किटेक्ट को काम दिया था, ये सब आर्किटेक्ट ने ये डिजाइन बनाया है, हमने फिर दूसरा आर्किटेक्ट को दिया कि थोड़ा प्रॉफिट्स कैसे ज्यादा बढ़ाया जाए, कैसे। वो ये भी कहीं कोई कहेगा नहीं कि भाई हम चाहते हैं कि कम स्पेस दें, जिनके साथ हमने सौदा किया है उनको कैसे कम से कम स्पेस दिया जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे लिया जाए, ऐसे हम सिस्टम बनाना चाहते हैं, ये कोई नहीं कहेगा। वो कहेंगे सर हम वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं, हमारी एक वैल्यू इंजीनियरिंग टीम है, आपको जो मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग वालों को डिजाइन वालों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो डिजाइन लेते हैं और डाल देते हैं और कहते हैं देखो कितना सुंदर है, ये है वो है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, मार्केटिंग डिजाइन टीम, एडवर्टाइजिंग टीम, इनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो जिम्मेदार अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, वो ब्रोशर बना देंगे जैसे बनाना चाहिए, ब्रोशर जूट से भरा हुआ है लेकिन वो बना रहे, और वो कहेंगे हमारे हाथ में किसी का खून नहीं है भाई, वो ब्रोशर पढ़ के कोई गलती कर देते हैं उससे हम क्या करें। तो इस तरह से किसी के भी हाथ में खून नहीं है, सब लोग सुगंधित, सब लोग इंग्लिश में कहते हैं एवरीबॉडी स्मेलिंग ऑफ रोजेस, गुलाब का सुगंध आता है उनके बदन से। आप लोग ऐसे इस टाइप के सिस्टम से हार्टलेस यानी बिना हृदय निर्दय सोललेस बिना आत्मा के सिस्टम से आप लोग फ्लैट खरीदने जाते हो, और फ्लैट खरीदते भी नहीं हो, फ्लैट नहीं खरीदते हो, आप प्रॉमिस लेते हो, आप प्रॉमिस लेते हो, प्रॉमिस के सामने पैसे दे देते हो। प्रॉमिस क्या है, हम 2026 में आपको ये टाइप का फ्लैट बना के देंगे, जितना वेग बनता है उतना वेग बनाएंगे। भागने के रास्ते अग्रीमेंट में भर दिए जाते हैं, वो भी वकीलों ने, वकीलों का शैतानी दिमाग है, किसी ये लोगों ने नहीं लगाया, वकीलों को पैसे मिल गए, वो भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। लेकिन सब लोग मिलके जो काम कर रहे हैं वो असल में एक शैतानी काम है, यानी किसी एक ने नहीं बनाया लेकिन सारे मिलके जो बन चुका है, सारे लोगों की मेहनत से जो बना है, वो एक बिल्कुल ही शैतानी इंडस्ट्री है, जहां पे इंसानों को गन्ने की तरह गन्ने के मशीन में ठूसा जाता है और उनमें से जूस निकाला जाता है, उनका फाइनेंसेस, उनके लाइफ सेविंग्स, उनकी जान चली जाती है, उनको जूस में जूसर में से पास किया जाता है, क्रश किया जाता है और चबा जाते हैं, निगल जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त कृष देवर्बन नक्सल, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।